महंगाई से मुंह मत मोड़ो और कम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। आज आम जनता से हम आजाद भारत की सबसे संवेदनहीन और सितमगर सरकार के सरोकार पर बात करने आए हैं। कहते हैं कि जब सत्ता में लूट के किरदार बैठ जाएं, तो जनता की आमदनी कम और दिन महंगे हो जाते हैं। आज देश में मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है और 140 करोड़ देशवासियों की आमदनी लूटती जा रही है। वादा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, पर हुआ उसके विपरीत, मैक्सिमम गवर्नमेंट जीरो गवर्नेंस। आज देश में भराने का तेल यानी पेट्रोल 100 रुपया पार, खाने का तेल 200 रुपया पार और खाना पकाने का तेल यानी रसोई गैस 850 रुपया पार। ऐसी रही बेशरम और महंगी मोदी सरकार। केंद्रीय भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंक कर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्ना सेठ दोस्तों की सोच रही है। अब तो डायन महंगाई भी भाजपाइयों को अप्सरा सी नजर आने लगी है। पेट्रोल डीजल की लूट के कुछ तथ्य देखें। पहला, आज दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पेट्रोल 100 को पार हो गया और डीजल 90 रुपया प्रति लीटर को छू गया। 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 69 बार बढ़ाई हैं। दूसरा, अप्रैल 2014 से जून 2021 तक पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की लूट से मोदी सरकार ने, चौंकिए मत, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में अपने खजाने में डाल लिया है। तीसरा, मोदी सरकार ने 7 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 258% और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ा दी है। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर, जो आज बढ़कर हो गई है 23 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर। मई 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर, जो अब बढ़कर हो गई है 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर। साल 2014-15 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन सालाना थी 99,068 करोड़, और जो साल अब खत्म हुआ है 2020-21, उसमें पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से लूट की कलेक्शन है 4,51,000 करोड़ रुपया। ये अंतर है साथियों। चौथा, अकेले कोरोना काल में ही, कोरोना की महामारी में जब लोग ऑक्सीजन के बगैर सांसें सिसक सिसक कर टूट रही थी, जब परिवारजन मर रहे थे, जब लोग मारे मारे अस्पताल के बेड के लिए फिर रहे थे, तो मोदी जी पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। अकेले कोरोना काल में मोदी जी ने 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपया प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। पिछले 2 महीने की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 महीने में पेट्रोल की कीमत 9 रुपया 81 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी और डीजल की कीमत 8 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी। साथियों, एक बड़ी रुचिकर चीज आज मैं लेकर आया हूं। कांग्रेस यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के 7 साल में
अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम साल दर साल घटते गए और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। ये एक चार्ट है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं 2010-11 से 2020-21 का। इस चार्ट से यह साफ है कि यूपीए के कार्यकाल में जब सरकार हमारी गई तो आखिरी रेट थे 105, औसत थी $105 $52 प्रति बैरल, और 2020-21 में यह पिछले 30 साल में सबसे कम होकर रह गया $42 प्रति बैरल। आज 74-75 है पर औसत साल की मैंने लगाई है तो वो $42 प्रति बैरल है। तो कच्चे तेल के दाम घटते गए और मोदी जी के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए। मोदी सरकार के चाल चेहरे और चरित्र को एक ही वाक्य में परिभाषित किया जा सकता है, बेरोजगारी और महंगाई से बैर नहीं, प्रगति और तरक्की की खैर नहीं। और इसीलिए आज जब दिल्ली में 100 रुपया लीटर का आंकड़ा पहली बार आजादी के बाद पेट्रोल पार कर गया और डीजल देश में 73 साल में सबसे अधिक ऊंचाई पर 90 रुपया लीटर पहुंच गया, तो हम मोदी सरकार को यही कहेंगे कि कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो।